बूढ़ा एक माँ का पेंशन मतलब ऐसे भी गुजारा कर सकते, औरते तो देखो सब बेटा बेटी मजा हो जाते, वो आती है तो पेड़ा की जाए आती है, माँ कोई गर्म थोड़ी करते तो रोटी पानी रोटी बाटी बेटी भी आती है तो उसको भी मोटर ना होती है, वो कहने वो तो दान की नहीं होती है, तो दान की देखो पेंशन जो बना देता है वो उनका गार्ड करिए कर सके, इसलिए देखो अगर जो भी नाम करो तो देखो बड़ा अवस्था है जन बूढ़े की जो पेंशन करे तो वह भी होनी चाहिए, अरे बड़ा जो बड़ा जन बदला में जो कोई लुगाई बच्चों फोर है तो वह दान की जाओ मोटे आ तो वो मुंडा छोड़े या तो यू माटी गिरे या तो यू माटी गिरे तो कई कारण गाँव में है, तो आप न तो दान की कर सके न वह कमा कर सके न कोई कूड़ा में जमीन है तो कोई फाड़ी को किसे कमा करो, देखो ये बात तो देखो सब देखो दुखी गाँव होता गाँव बहुत ही ये इसकी बिंदु और निजी बात करने के लिए चगी भाई भी बताए वो भी वो जमीन का नियम जो भी नियम है कि वो पेंशन लेने के लिए वो बेटा जिंदा है 18 साल या जमीन है, बट अनुभव से कि जैसे चगी ने कहा कि बहुत कम है कि बेटा उनकी बूढ़ी माँ को अच्छी तरह से देखभाल करते हैं, ऐसी नहीं है कि कभी नहीं हुआ बट निश्चित नहीं है, दूसरी बात है कि जमीन कानूनी रूप से विधवा के हाथ में होगा पर वास्तविक उनकी कब्ज में नहीं है, तो ये दोनों नियम है, तो छोटी नियम और बड़ी नियम विश्वकरण वाला वो भी चेंज करना चाहिए। अब अगर शर्त आगे आएगी तो फिर एक नारी शक्ति संगठन क्या करते हैं तो फिर पेंशन लाने के लिए इनकी सदस्य के लिए मैं शक्ति संगठन की ओर से सभी और साहब को निवेदन करती हूँ, मैं ब्लॉक सदस्य हूँ, मैं शक्ति संगठन में काम करती हूँ, बहुत सी बहनें हैं जो इस मामले में कुछ जानती नहीं थी समझती नहीं थी, इसके लिए हम गांव-गांव जाके काम करते हैं और इन बहनों को आगे लाते हैं और इनको पेंसिल के बारे में हम लोग इनको आगे लेके जाते हैं, इनके लिए हम लोग जितनी भी भागदौड़ी हमसे होती है हम कर रहे हैं और बहुत सी बहनें हैं जिसकी पेंसिल हम लोगों ने चालू करवाई है, बहुत सी जगह धक्के खाने पड़ते हैं, बहुत सी जगह लड़े झगड़े भी करने पड़ते हैं, तो ये कार्य हम शक्ति संगठन की ओर से कर रहे हैं और मीट नहीं कहना। और जैसे जो ब्लॉक स्तर की कमेटी के सदस्य को प्रशिक्षण देते हैं उनको प्रशिक्षण देना है कि किस अधिकारी से बात करना कि ये पेंशन आगे वो उसकी स्वीकृत कर सकते हैं, आगे क्या व्यवस्था है नियम कानून के बारे में है, तो फिर वो उठाया है ये काम करने के लिए। हमने कहा कि एकल नारी शक्ति संगठन कभी कभी लॉबिंग करते हैं और जैसे पेंशन अभी तक इसको सफल नहीं हुआ पर एक वो भी सफल हुआ जो भी छगी आपको और बताएंगे कि वो इसकी अकाल राहत का काम के बारे में, और जैसे जो डॉक्टर व्यास ने कहा कि खाना और रोजगार तो फिर दोनों जुड़ी हुई है, तो फिर ये इसकी अकाल राहत का काम के बारे में क्या स्थिति है कि वो एक नारी के लिए संगठन कुछ फायदे में एकल नारी शक्ति संगठन जो अकाल रात कार्य का हमारे पास में हमने जो ज्ञापन दिया उसे हमारा धरना रैली निकालने से मार्ग आदेश भी हमारा पारित हो गया है, लेकिन उस आदेश को लेके जो हमारी बहनें जाती हैं और अकाल रात के कार्य में बहनों को ये कह देते हैं कि बहने कारवात का कार्य चलता होता है तो तब बहने जाती है तो उनको ये कहते हैं कि तुम्हारा क्या काम रह गया, तुम्हारा तो जवान बेटा है तुम्हारा को काम करने की कहां दिक्कत आई, तो इस तरह से करके बहनों को एक तरह से काम से निकाल देना, और दूसरी बात ये भी ये कहते हैं कि तू तो बूढ़ी है और तू 60-55 साल की है तेरे से काम नहीं होता, जबकि उसको रोजी रोटी के लिए 60-65 साल भी क्या होता है, बेटा भी है तो क्या होता है, उसको काम चाहिए, लेकिन सरकार का कहना है कि जवान है तो उसको काम और बूढ़ी है तो उसको काम, ये सरकार नहीं कहती है, लेकिन जो हमारी
कार्य नीति के अनुसार जो सेक्रेटरी ग्राम सेवक ये सब लोग जो है वार्ड पंच लोग जो है ये सब लोग मेट वगैरह जो है ये एक कड़ी से कड़ी बनी हुई है। ये लोग सोचते हैं कि इसका तो बेटा है इसको नहीं दे रहे इसका इसके बेटा जबकि जब बेटा है तभी उनको काम मिल रहा है जिनके बेटा नहीं है उनको भी काम मिल रहा और जो वास्तविक बहने हकीकत में उनको रोजी रोटी बिल्कुल नहीं है खाने के लिए कुछ भी नहीं है उनको रोजगार की तलाश है उनको काम मिलना चाहिए तो उनको काम नहीं देते हैं तो इस तरह से वो भी काफी तड़फड़ाती है। इस तरह से जब से ये संगठन बना है तब से हमारी बहने हमारी मीटिंग में आती है जागरूकता हुई बहनों में तब से हमने जो मीटिंग बताते हैं ब्लॉक कमेटी मीटिंग में कि भी आप मीटिंग में जाइए ये आदेश है हमारा सरकार से पास हुआ है इस आदेश को लेके जाइए और अपनी आप काम मांगिए इसको तब वो बहन जाती है और उस आदेश को लेके मेट कई जगह तो उस आदेश को फेंक देता है और कई जगह कहता है हाँ हाँ लगा लूंगा आज नहीं कल आना ऐसा करके। जब उस बहन को ब्लॉक कमेटी सदस्य के अनुसार उनको बताया जाता है कि आप अकेली मत जाइए आप 10-5 बहनों को साथ में लेके जाइए और इसके मांग आप मेट से कीजिए कि आप हमें काम दीजिए काम नहीं देना है तो आप इस आदेश पे लिख दीजिए कि हमारे पास कोई काम नहीं है तो वो आदेश को देखते हैं अब उसको फेंकते नहीं है उसमें जब वो लिखित में लेती है महिलाएं तो उससे वो घबरा जाते हैं तकराते हैं तो कहते हैं हाँ हाँ हम काम लगाएंगे जब कुछ बहनों को काम दे देते हैं कुछ को नहीं देते हैं तो इसी तरह से बहनों ने संघर्ष किया है कि एक को काम मिला दो को काम मिला तीन को काम मिला बाकी को बाकी यूं रहेगी तो उस आदेश को लेके बहनों ने कई जगह धरने दिए हैं रास्ता रोका है और रास्ता रोकते ही वहाँ पे पुलिस प्रशासन आ जाता है एसडीएम आ जाते हैं और सारे अधिकारी लोग आ जाते हैं कलेक्टर आ जाते हैं तो महिलाएं बड़ी अड़ के जमकर खड़ी हो जाती पत्थर लगा देती रोड पे हमें काम चाहिए हमें काम दीजिए और ये हमारे पास आदेश देखिए या तो इस आदेश के अनुसार हमें काम दीजिए नहीं दीजिए तो आप कलेक्टर है इस पे लिख दीजिए आप एसडीएम है इस पे लिख दीजिए हम नहीं मांगेंगे आपसे काम। फिर उसी समय वो लोग उनको काम देते हैं जो भी गांव में जितने भी विधवा बहने हैं उसके अनुसार पूरा मस्टोल देते हैं 30 बहनों का 32 बहनों का मस्टोल इसी आदेश से बहनों ने हिम्मत करके काम लिया है और काम किया है आदेश से ये कम से कम इतनी तो पालना हुई हमारी बहनों को हिम्मत मिली है काम मिला है पर हिम्मत तो बहनों को तब संगठन से जाएगी तो हिम्मत है संगठन से अकेली टूट के जाएगी तो काम नहीं होगा तो हिम्मत तो हमको मिली है काम हमारी बहनों को मिला है तो आदेश हमारे लिए बहुत कामयाबी चीज है हमने लड़के लिया है आदेश और चलिए। तो ये इसकी आदेश जो भी बार बार वो उनकी हाथ से समर्थिकल नारी शक्ति संगठन को तो बाकी वो इसकी बीजेपी सरकार इतना ज्यादा नहीं सुन लिया लेकिन वो दोनों सरकार ही इसकी है संगठन ने 8,000-9,000 की स्कैनिंग की है तो फिर 10 कट और नंबर सब है और फिर सब सदस्यों को दे दिया और फिर आगे जैसे जब छगी ने कहा कि जब अकाल राहत के काम के लिए जाते हैं राहत विभाग वो भी इसको दे दिया और फिर हजारों एकनारी के लिए फायदा हुआ। Now, एक चीज और जो भी वो इसकी संगठन मदद दिया औरतों को कि जैसे आप जानते हैं कि ग्राम सभा में कि काफी वो भी नाम आगे आते हैं और फिर आगे जो भी योजना की क्रियान्वित करने के लिए वो भी एक महत्वपूर्ण मीटिंग है तो क्या करते हैं जब एक और नारी जाते हैं और संगठन वालों को जवाब क्या है सरस्वती आपको कुछ बोलेंगे वो जाते हैं जो आप देते हैं कहीं यहाँ कोई तुम्हारा संगठन नहीं है कोई एकल नारी हम नहीं जानते तो वहाँ तीन न्याय ऐसे चल रहा है काम ऐसे नहीं करे 13 वार्ड का मेंबर जीता तो वो बैठता ही कुर्सी पे और यहाँ से कोई सरकार से 10,000 रुपए गए थे कोई गरीब के अनुदान के लिए तो जट उसके बेटा को लेके और उनने मकान बना दिया समन कल्याण का मकान उनने बना दिया उसने ले लिया गेहूं आते हैं तो दोनों जने वे ले लेते हैं विधवा वृद्धा पेंशन जुड़ा ली दोनों को पैसे मिल जाते हैं 13 वार्ड मेंबर को और फिर 14 वार्ड सभा में वो एक नारी मीटिंग में आना चाहते हैं जाते हैं हम जो हमको तो दकाल देते हैं और जो भी कानून आता है तो वो ले लेते हैं और वो कानून के सर लेकर
दस पांच जने जाओ तानू तो ग्राम पंचायत में तो और ग्राम सभा में तहसील में बीएचडीएम साहब के पास दस पंद्रह जनी जाते हैं, दस पंद्रह जनी जाते हैं तो वो मना कर देते हैं। अभी बताओ कौन सी है कलनारी, कौन सी संगठन, कौन सा क्या ऐसे करते हैं। तो सर हम गरीब तो हैं, ये कलनारी नहीं समझ रहे तो गरीब तो समझो, उसी अनुदान से तो हमको दो, अनुदान क्यों रोक रहे हो। नहीं आई आपको समझ वो उसकी मिड डे मील का कुक है तो उनसे भी सुनेंगे। ठीक है, तो एक जमीन के बारे में एक नारी क्या ये है अजमेर जिले से हूँ और एकल नारी शक्ति संगठन से ग्राम स्तर से, ब्लॉक स्तर से और जिला स्तर से। तो ये हमारी जो संस्था है ये हमारे गांव स्तर से भी जो योजनाएं जो भी आती है उसमें ये एकल नारी जो संगठन है हमारे मदद करता है। और यह संगठन हमारे ये जो जमीन संबंधी मुद्दे आते हैं, अकेली औरत के साथ जो अत्याचार होते हैं उसके विरुद्ध भी यह संस्था हमारे लड़ाई लड़ती है और उसमें हमें जीत भी हासिल होती है। जैसे कि हम, मैं खुद आज आठ वर्षों से मैं विधवा हूँ, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मैं अपने ऊपर बता रही हूँ, मेरे भी सास ससुर देवर जेठ नंद कोई भी नहीं है। दो बच्चे हैं वो अनाथ आश्रम में पढ़ते हैं आर्य समाज स्कूल में, और एक बच्ची 18 साल की वो 10वीं पढ़ती है। तो यह संस्था ही मेरा परिवार है और इसी से जो मुझे राहत मिली है उसके लिए मैं आज जो भी आज यहाँ आपके सामने मौजूद है इसी संस्था की आशीर्वाद से मैं आपके सामने ये बोलने तक की और यहाँ स्टेज तक आने की मेरी हिम्मत हुई है। आज जो परिवार मेरे साथ कर रहा है वो हर एक महिला के साथ होता है, लेकिन वो महिला घर में ही घुट घुट के रहती है, वो बाहर कुछ भी नहीं कह पाती। क्यों? कि समाज और परिवार उसको बाहर आने के लिए इतने रुकावटें पैदा कर देता है कि वो कुछ बोलने में सक्षम नहीं होती है। तो जैसे कि एक लड़की है और थोड़ी पढ़ी लिखी है तो वो कुछ कर सकती है, और यही मेरे साथ हुआ है। मेरे पापा ने भी मुझे आठवीं क्लास तक ही पढ़ाया। मैं आंगनबाड़ी में भी कार्य करती हूँ और आज मेरे आदमी को गुजरे हुए 8 वर्ष हो गए। मेरे सास ससुर देवर जेठ आज मेरे जमीन और घर सब हड़पना चाह रहे हैं। आज करीब 8 महीने से मेरे ये कोर्ट केस भी चल रहा है, इसमें गांव वालों ने भी मेरी कोई मदद नहीं की, नहीं परिवार वालों ने, नहीं पड़ोसियों ने की। जब तक कि ये जो हमारी संस्था इसी के जरिए मैं अपना ये केस कोऑपरेट कर रही हूँ और इसी से मुझे राहत मिल रही है। गांव में भी इस संगठन की वजह से ही हमारा दहशत फैल रही है कि ये संगठन से जुड़ी हुई है कुछ भी कर सकती है, और इसी वजह से मेरा ये केस आज इस यहाँ तक आ पहुँचे कि थाने वाले तक कोई भी मेरा केस कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं थे और सब ने रिश्वत ले लेकर और सारे केस को मेरे को दबा दिया था। लेकिन आज 18 तारीख की मेरी वापस पेशी है और जिन लोगों ने रिश्वत खाकर ये काम किया, ये जो घरेलू हिंसा का नया कानून जो अभी लागू हुआ है उसके लिए उसी के अंतर्गत मैंने ये अपना केस दिया था, और इसमें जो 26 मैडम हमारी इनका पूरा सहयोग और संस्था से हमारे वकील साहब है पुष्पेंद्र सिंह जी पार्टी वो मेरा कोई केस कोऑपरेट कर रहे हैं। और इस संगठन में इतनी शक्ति है कि एक महिला अकेली ना होकर ये मेरा परिवार ये मेरी मदद कर रहा है, और इसी से आज मैं इतनी आगे बढ़ी हुई हूँ। और इन्हीं के आशीर्वाद से मैडम जी और ये जो हमारे बहन है इनके इतने केस हुए हैं कि हम आज तक 80-80 लाख तक के केस को हमने जीता है। अभी अलवर में गए थे हम आज के 6 महीने पहले, अलवर से भी ऐसे मेरे जैसा केस था उसमें भी हमने 80 लाख रुपए का केस जीता है, जबकि कोर्ट कचहरी में सब जगह उसका जेब